पहाड़ खुर्द के ग्रामीणों ने सेल्समैन श्रीराम परिहार को उचित मूल्य की दुकान देने पर जताई आपत्ति। कहा, पहले भाई ने किया भ्रष्टाचार। बड़ी खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी के तहसील खनिया थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पहाड़ खुर्द के जाटा मोहल्ले के समस्त ग्रामीणों ने आज कलेक्टर को आवेदन सौंपकर बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व सेल्समैन हरिओम परिहार पर ग्रामीणों ने खाद्यान्न हड़पने, राशन की कालाबाजारी करने एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने की शिकायत की थी और इस संबंध में उन्होंने 181 पर शिकायत की थी, जिसके बाद सेल्समैन के विरुद्ध जांच की गई और सत्य पाए जाने पर भ्रष्टाचार कर राशन की कालाबाजारी करने पर एवं संबंधित सेल्समैन को कार्यवाही कर जेल भेजा गया था। लेकिन भ्रष्टाचार के चलते एक वर्ष पश्चात ये उचित मूल्य की दुकान सेल्समैन के भाई श्रीराम परिहार को दे दी गई, जिसके कारण सभी ग्रामीण असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार के चलते 50,000 में उचित मूल्य की दुकान उसे दे दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन हरिओम परिहार एवं उसके भाई श्रीराम परिहार द्वारा उक्त दुकान संचालित की जा रही है, इससे वह ठगी सा महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन को पहाड़ा खुर्द की दुकान न दी जाए, किसी और को ये दुकान दी जाए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अशोक जाटव। कहाँ से आए? पहाड़ा खुर्द तहसील खनिया थाना परगना पिछोर। क्या समस्या? ये समस्या है कि साहब पुराना सेल्समैन था ना, तो उसको कंट्रोल ना दी जाए क्योंकि भ्रष्टाचारी है और हम लोग जाटव समाज के वहाँ पे गल्ला लेने जाते हैं तो मारपीट भी करता है किसी किसी की और हमको तो गाली देता है, तो उसको कंट्रोल ना दी जाए क्योंकि अभी आज के टाइम पे सहायक सेल्समैन है, उसको कंट्रोल दी जाए क्योंकि इसके पास में तो राय के पास में बेचारे के पास में पैसा नहीं है, तो वो तो 50,000 नहीं दे पाएंगे। अब उसने 50,000 फूड इंस्पेक्टर 50,000 रुपए ले लिए हैं पुराने सेल्समैन से। पुराने सेल्समैन से ले लिए हैं वो, मतलब भ्रष्टाचार करता था उसको, उस पे मतलब कोर्ट का कायमी भी चल रहा है, केस भी चल रहा है साहब, जेल भी गया था और 700 क्विंटल उन्होंने घपला किया था, कालाबाजारी की थी। ये बताओ जैसे पुराना सेल्समैन उस पे कोई आरोप वगैरह है या उस पे कुछ मामले प्रकरण दर्ज है, ऐसा कुछ लग गया? हाँ साहब, उस पे हमने मतलब शिकायत की थी ना, तो उस पे केस लग गया था साहब कंट्रोल का। आप क्यों नहीं चाह रहे हैं कि वो उस पे नहीं जाने चाहिए साहब, क्योंकि उसके वहाँ हम लेने जाते हैं ना तो गाली गलौज करता है।